ओडिशा में बालेश्वर रेल दुर्घटना में राहत कार्य जारी, अब तक मृतकों की संख्या हुई 261। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर लिया जायजा। मणिपुर राज्य के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में हालात हो रहे हैं अब सामान्य। केंद्रीय गृह मंत्री की अपील के बाद लगभग 140 हथियार किए गए जमा। प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अपनी विधानसभा के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे करनाल, विभिन्न वार्डों के कार्यकर्ताओं के साथ विकास कार्यों को लेकर की बैठक। और फतेहाबाद के कुछ युवाओं ने गरीब, जरूरतमंद और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का उठाया बीड़ा। नमस्कार, मैं जगजीत कौर, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए ओडिशा में बालेश्वर दुर्घटना स्थल का दौरा किया। वे कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जाकर घायलों से भी मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख प्रकट किया। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज का निर्देश किया और कहा कि घटना की पूरी जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री ने नागरिकों द्वारा हादसे में मदद किए जाने की सराहना की। एक भयंकर हादसा हुआ, असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बताया कि बचाव कार्य पूरा हो चुका है। रेलवे ने अपने बुलेटिन में बताया कि दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 261 हो गई है और लगभग 900 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है। यह घटना कल शाम 7 बजे हुई, जब शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकराने के बाद पलट गई। इसके कुछ मिनटों बाद ही इसी स्थान पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन भी पटरी से उतर गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर हैं और राहत कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बचाव और राहत कार्य, घायलों के समुचित उपचार और यात्रियों के परिजनों तक जानकारी पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य अब पूरा हो चुका है और राहत कार्य जारी है। रेल मंत्री ने बताया कि दुर्घटना की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाएगी। सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे होना चाहिए, रेस्टोरेशन पे होना चाहिए। रेस्क्यू करीब करीब कंप्लीट हुआ, अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्क्यू रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे।
ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त कार्यालय ने आपात नियंत्रण कक्ष नंबर जारी किया है। 6782-2622-86 पर डायल करके जरूरी जानकारी ली जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मृतकों के निकट परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा से बालासोर में हुए दुर्घटना रेल हादसे में लोगों में मौत के दुख प्रकट किया है। उन्होंने बचाव अभियान की सफलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एक ट्वीट के माध्यम से बालासोर में हुए हादसे पर दुख जताया। ओडिशा में हुए हादसे पर नेपाल के पीएम, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, मालदीव के अब्दुल्ला शाहद सहित दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेल हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये एक भयंकर रेल दुर्घटना थी। उन्होंने मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और पीड़ित लोगों के परिजनों को यह दुख सहन करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हम हादसे की जानकारी ले रहे हैं और फिलहाल अभी तक इस दुर्घटना में हरियाणा से किसी भी व्यक्ति की कोई जानकारी नहीं आई है। कल सायंकाल जो दो ट्रेन्स का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी जानकारी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है, उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि। मणिपुर राज्य में 3 मई को हुई हिंसा के दौर से अब उभर रहा है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर लगभग 140 हथियार जमा किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर दौरे के अंतिम दिन लोगों से हथियार और गोला बारूद मणिपुर पुलिस को सौंपने की अपील की थी। उन्होंने लोगों से कहा था कि उन्हें हथियार पुलिस को सौंपने चाहिए, यदि ऐसा नहीं किया तो पुलिस द्वारा छानबीन के दौरान हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीधे मोर्चा संभाल लेने के बाद राज्य में हिंसा की घटना में तेजी से कमी आई है। उन्होंने अपने दौरे के दौरान विभिन्न समुदायों और अलग अलग संगठनों से मुलाकात की थी, जिसके बाद शांति स्थापित करने में तेजी आई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में सभी से शांति बरतने और उपद्रवियों से मुख्य धारा में शामिल होने का आह्वान किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में हथियार रखने वाले लोगों ने आत्मसमर्पण किया। जिनके पास हथियार हैं वो हथियार सभी लोग सरेंडर करें, अदरवाइज सरेंडर नहीं करेंगे तो बाद में उसमें कठोर कार्यवाहियां होने की संभावना रहेगी और जिसके परिणाम काफ़ी सीरियस आगे चल के हो सकते हैं। उस अपील के तहत पिछले उनके जाने के बाद अभी तक 144 वेपन और उनके साथ 11 मैगजीन पूरे मणिपुर में सरेंडर की गई हैं। इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में 12 घंटे तो विष्णुपुर, जिरीबाम, चूरा चांदपुर और चंदेल में 8 घंटे तो कुछ जगहों पर 11 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई। हिंसा के मामले में 65 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 98 लोगों की हिंसा में जान गई है। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और यहां रहने वाले लोगों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। रिलीफ कैंप में 37,450 लोग हैं, जिसमें करीब 272 रिलीफ कैंप चल रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी जिम्मेदारी ली है और सभी कैंपों में समान रूप से खाने पीने की व्यवस्था और मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराई जा रही हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अपनी विधानसभा के दो दिवसीय दौरे पर करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न वार्डों के कार्यकर्ताओं के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने दो दिवसीय दौरे में करीब 4 वार्डों और 1 पंचायत के विकास कार्य को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं होंगे उन्हें हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को निर्मित करने का सर्वे इसी महीने पूरा कर लिया जाएगा और अगले महीने उन्हें वैध करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 मीटर से अधिक चौड़ी गलियों वाली कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इस दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए पहलवान खिलाड़ियों के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। उन्होंने अपनी ओर से इस मामले को निपटाने का प्रयास किया था। सीएम ने खाप पंचायतों से इसे सुलझाने के लिए और आगे आकर अपना सहयोग देने की बात कही। मैंने वार्डों की बैठकें शुरू की थी पिछले 2 महीने पहले, 6 वार्डों के पहले हो चुके हैं, 4 आज और कल में हो जाएंगे, 1 पंचायत की भी होगी। तो इस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए ये जो 2 दिन का कार्यक्रम है कंस्टिट्यूंसी का बहुत अच्छा रहा। इसमें बहुत से कार्यकर्ताओं ने जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में भी चर्चा की और केंद्र सरकार इसको देख रही है और निश्चित रूप से कोई ना कोई हल इसका निकलना चाहिए। हमने अपनी ओर से भी प्रयत्न किया था, कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, तो बहुत जिसको कहना चाहिए कि फैसला होते होते छोटी मोटी जब कमी रह जाती है उसके बाद फिर जब चीज़ नहीं होती तो कहीं ना कहीं फिर कुछ संगठन खड़े होते हैं। खाप पंचायतों से भी मेरा निवेदन है कि इस मामले को हल करने में वो आगे आए और सहयोग करें ताकि जो भी कोई बात आपस में विवाद की है वो नज़दीक होकर के किसी तरीके से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में रीमोल्डिंग ऑफ गुरुग्राम वाटर सप्लाई के डिज़ाइन की अनुमति को लेकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम वाटर सप्लाई एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिससे गुरुग्राम व मानेसर की 2050 तक की आबादी को निर्बाध रूप से बेहतर पेयजल सप्लाई उपलब्ध होगी। मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना भी तैयार की गई है। इन परियोजनाओं पर 2,266 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 1,517 करोड़ रुपए की गुरुग्राम वाटर सप्लाई परियोजना गुरुग्राम मानेश्वर व बहादुरगढ़ की वर्ष 2050 की आबादी को फोकस रखकर तैयार की गई है। गुरुग्राम वाटर सप्लाई परियोजना काकरोई से आरंभ होगी और बसई में संपन्न होगी। इस परियोजना को मई 2026 में पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना पर लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों को निर्बाध पेयजल सप्लाई सुलभ होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आगामी मॉनसून में बाढ़ प्रबंधन की सभी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री ने देश की 12-मासी बाढ़ समस्याओं को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए दीर्घकालिक उपायों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा के दौरान जान माल के नुकसान की कमी के प्रयास के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मौसम विज्ञान विभाग और केंद्रीय जल आयोग 5 दिनों के लिए वर्षा और बाढ़ का पूर्वानुमान दे रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि इसे अगले मॉनसून तक 7 दिनों के पूर्वानुमान तक विस्तारित किया जाएगा ताकि बाढ़ प्रबंधन और सुधार किया जा सके। अमित शाह ने अगले वर्ष मार्च तक एक व्यापक सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्देश दिया। गृहमंत्री ने अधिकारियों को देश के प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ के पुनर्अनुमान और जल स्तर में वृद्धि के लिए स्थायी प्रणाली बनाने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच में समन्वय को मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान मौसम में अनुमानित नदी के स्तर की निगरानी प्रति घंटे के आधार पर की जानी चाहिए। गृहमंत्री ने सभी संबंधित हितधारकों से बाढ़ से पूर्व तटबंधों की निगरानी, निकासी और अस्थायी आश्रयों सहित उचित उपाय करने को भी कहा। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के लगभग 1,14,474 बच्चों का वजन व लंबाई को लेकर 98.58% के साथ हिसार जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं एवं 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का पंजीकरण किया जा रहा है ताकि इन सभी वर्गों पर ध्यान अथवा योजना का लाभ समय पर उपलब्ध करवाया जा सके। हिसार जिला कार्यक्रम अधिकारी
मंजू राणा ने बताया कि पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से जिले में अब तक 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का लगभग 1,32,887 पंजीकरण किया जा चुका है। मंजू राणा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं का आंगनवाड़ी में पंजीकरण करके उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा की जाती है। बच्चे हमारे 1,32,887 जो बच्चे हैं वो अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से हम हाइट और वेट लेते हैं और पोषण ट्रैकर ऐप पे डालते हैं, जिसमें से हम हमारे सैम जो बच्चे हैं सीवियरली जो मेलनरिस बच्चे हैं वो 60 निकले हैं, 60 बच्चे जो अति कुपोषित जिनको हम बोल कहते हैं, तो हम और इसके अलावा मैम वाले जो बच्चे हैं मॉडरेट जो बच्चे आते हैं वो 3955 बच्चे आए हैं अभी। ऐसे गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकृत होता है यहाँ पे आंगनवाड़ी में, उसी तरह से उसकी ANC एंटीनेटल चेकअप शुरू हो जाता है, राशन देना शुरू करते हैं हम उन पर, और इसके अलावा मतलब काउंसलिंग भी करते हैं, विजिट करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर जाके, सुपरवाइजर्स भी CDPOs और जैसे मेरे को भी जितना मिल पाता है उस हिसाब से मदर्स की, जैसे हम एक तरीके से काउंसलिंग करना। आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत गर्भवती महिला ने बताया कि उन्हें पौष्टिक आहार में खिचड़ी, पुलाव, सूखा दूध, मीठा दलिया आदि दिया जाता है और उनका महीने के हर दूसरे बुधवार को टीकाकरण किया जाता है, साथ ही उन्हें आयरन व कैल्शियम की गोलियां भी वितरित की जाती हैं। सूखा दूध मिलता है, खिचड़ी मिलती है, पुलाव मिलते हैं और मीठा दलिया मिलता है, आलू के परांठे वगैरह मिलते हैं और महीने के पालक के परांठे मिलते हैं और महीने के दूसरे बुधवार को इंजेक्शन लगते हैं, विटामिन और कैल्शियम की दवाइयां भी दी जाती हैं, मेरे को एक तरीके की सुविधा मिलती है आंगनवाड़ी में। जो आंगनवाड़ी में विटामिन और ये कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती हैं, इनसे खून वगैरह की कमी नहीं होती और किसी तरह की कमजोरी नहीं होती, इनसे बच्चे और माँ को दोनों को फ़ायदा होता है। फतेहाबाद के कुछ युवाओं ने गरीब, ज़रूरतमंद और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। वह युवा रोज शाम को इन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ शारीरिक गतिविधियों भी करवाते हैं और सामाजिक संगठनों की मदद से बच्चों को स्टेशनरी भी उपलब्ध करवाते हैं। इस मुहिम से जुड़े युवा सुरेश, रोहित और निशांत ने बताया कि कुछ बच्चे जिनके माँ बाप उनका स्कूल खर्चा नहीं उठा पाते, उनके लिए उनके घरों के पास निशुल्क कक्षाएं लगा रहे हैं। यहाँ पहली से छठी तक के करीब 60 बच्चे पढ़ने आते हैं। अपने समय निकाल करके बच्चों को समय दे रहे हैं ताकि जो खुद पर बीती है बच्चों पर ना बीते, जो कि आज पढ़ाई का जो मोल है बहुत ऊंचा बढ़ गया है, जो लोग देख रहे हैं लोगों को जो ट्यूशन का लेवल है, जो फीसें ले रहे हैं, तो उसको देखते हुए हमने सोचा कि आज ये बच्चों का भविष्य संवारें। मैं स्कूल की छुट्टी के बाद यहाँ पर आता हूँ, 2 घंटे का समय निकाल के फिर यहाँ पर पढ़ा के फ्री, फिर हम यहाँ घर पे जाके पढ़ते हैं। हम ये सोच रहे हैं भी इनका भविष्य बन जाए, ये बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इस मुहिम का लाभ उठाने वाले बच्चों ने बताया कि वे कई महीनों से यहाँ अपनी अपनी कक्षा की निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। यहाँ उन्हें कविता, सामान्य ज्ञान और योगाभ्यास भी करवाया जाता है। हमारे पर ना तो फीस लेते, हमको कापी पेन फ्री देते हैं, ना हमारे ट्यूशन का नाम रोशन करेंगे मम्मी पापा का, ना देश का। शाम को आकर ट्यूशन पढ़ते हैं, हम बहुत कुछ ट्यूशन पे सीखे हैं, हमको चॉकलेट और पेंशन सॉप, हमको सब कुछ मिलती है। हम यहाँ फ्री पढ़ते हैं, हमें हमसे कोई फीस नहीं ली जाती, हमें यहाँ पे टॉफियाँ, बिस्किट बांटे जाते हैं, हमसे एक्टिविटी तरह तरह की एक्टिविटी करवाई जाती हैं। वहीं रिटायर्ड शिक्षक विशंबर दास ने कहा कि वह इन बच्चों के उत्साह के लिए देशभक्ति का संदेश देते रहते हैं। ढंग से पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, के लिए बैठने के लिए अच्छा ठीक प्रबंध है, पानी के लिए यहाँ कूपन लगा हुआ है और पार्क में बढ़िया रौनक रहती है, ये बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।